रांची से पूरब की ओर यदि आप जाएंगे तो टाटा रोड से एक जगह सिदरौल है, वहाँ से बायां मुड़ेंगे तो उल्हातू पहुँचेंगे ठीक पूरब दिशा की ओर, तो वहाँ है माइनर बासिलिका। आइए हम लोग पल्ली में मुलाकात करें, राजा उल्हातू पल्ली में, और जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी लेकर के आपको देने की कोशिश करता हूँ कि माइनर बासिलिका का क्या इतिहास है। चलिए अब तो पहुँच गए हम लोग। गाइस ये देखिए, ये स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल उल्हातू, यहाँ लिखा हुआ है, और ये 1966 यानी 1966 से एग्जिस्ट करता है। यही है वो सबसे पुराना है उल्हातू का स्कूल। आप लोग बताइएगा कौन लोग यहाँ पर से पढ़े हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये है यहाँ का माइनर बासिलिका, रांची का माइनर बासिलिका उल्हातू। सो गाइस ये देखिए माइनर बासिलिका राजा उल्हातू पारिस, और ये है हमारे बाएं तरफ से ये दरवाज़ा, और मेन गेट यहाँ, मेन जो बाहर से आते हैं रांची की तरफ से आते हैं तो वो मेन वाला दरवाज़ा इधर से है, वो दूर में गेट है, और इधर है पल्ली, पारिस प्रेस लोग यहीं रहते हैं। आइए मैं कुछ फोटो वीडियो दिखाता हूँ रांची के। राजा उल्हातू करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, और ये माइनर बासिलिका है। इसके अंदर तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन चर्च है कितना अच्छा, और जो क्रूस का रास्ता है वो सब जो दिखाई दे रहा है वो सब है। फादर प्रफुल्ल तिग्गा का तबीयत उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए वो आराम करने चले गए, तो मैं सोचता हूँ चलो प्रचारक से मुलाकात कर लेते हैं। गाइस ये देखिए हमारे माइनर बासिलिका उल्हातू का, यानी झारखंड के एकमात्र माइनर बासिलिका का प्रचारक का कमरा है। तो हाँ, तो गाइस इस वक्त मैं विमल प्रकाश मेंज राजा उल्हातू पारिस में हूँ। कब बने थे प्रचारक उल्हातू के? प्रचारक तो ऐसे मतलब विधिवत हम नहीं बने हैं, ऐसा हम मुंशी के नाम से काम कर रहे हैं 1999 से। सो गाइस चलिए लोवाडी पल्ली में, वहाँ फादर मैक्सिमस टोपो हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है यहाँ पे पल्ली पुरोहित रहने का, सालों साल तक वो यहाँ रहे, इसलिए यहाँ का माइनर बासिलिका का ज़्यादा जानकारी उनसे ही मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं उनसे। गाइस इस वक्त मैं विमल प्रकाश मेन जी लोवाडी पल्ली में हूँ, और तो मुझे ना तो बहुत अच्छा तो इत्तेफाक और खुशी हो रही है कि मैं फादर मैक्सिमस टोपो के साथ में हूँ जो इस समय में यहाँ के पल्ली पुरोहित हैं, और मुझको उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब यह सुना कि वो सालों साल तक उल्हातू पल्ली में कार्यरत रहे हैं, और अभी अभी लोवाडी में यहाँ तबादला हुआ है। तो मुझको ना बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो उल्हातू के बारे में मिलेगा, और आपको बता सकूंगा कि माइनर बासिलिका सब के बारे में, या मोर और लेस जो चीज़ें हैं जो आदमी को इस वक्त जानना चाहिए और लोग जान नहीं पाते हैं। तो फादर आपका स्वागत है हम लोगों के चैनल में।
और जी बहुत धन्यवाद फादर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अनजाने में आया था और अपने काम के लिए, क्योंकि ये जेरूसलेम का तीर्थ यात्रा के बारे में आपका सपोर्ट के लिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास में एक दो चीज़ें हैं कि जैसा मुझको जानकारी हुआ 1952 में उल्लातु पल्ली का स्थापना हुआ था, तो उस समय में पल्ली पुरोहित कौन थे आप बता पाएंगे? पल्ली के संस्थापक थे फादर लुइस डी फ्रेंची। आप वहाँ उल्हातु में कार्यरत थे, अभी अभी कुछ दिन हुआ है यहाँ आए हैं, तो कितने साल तक वहाँ कार्यरत रहे? मैं करीब 1993 से वहाँ कार्यरत। 93 से 2022 तक। 22 तक, जनवरी 22। अगर आप 23 तक रहते तो कितना हो जाता? 40 साल? नहीं, सॉरी 30 साल, या 30 साल, राइट। तो 93 से, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से, और बेसिकली आपको मैं बता दूं, और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके गांव झड़गांव है, और झड़गांव से नदी पार करेंगे तो मेरा गांव है पेरवाटोला, तो वो सब सुन करके भी, क्योंकि जूना दादा हमको बताया वहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और माइनर बसिलिका का स्थापना पोप जॉन पॉल सेकंड उन्होंने किया, और मुझको थोड़ा जानकारी मिला कि 2003 में कार्डिनल को भी उन्होंने अभिषेक किया था। तो जब से आप उल्हातु में हैं, तब से माइनर बसिलिका के दौरान ड्यूरेशन में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आई, या आप क्या क्या वहाँ किए उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। सबसे पहले तो वहाँ कोई गिरजाघर नहीं था, मगर अभी जो माइनर बसिलिका है उसके पीछे तरफ एक होल है, वहाँ पर हम लोग शुरू 1993 से चर्च करते आए, उससे पहले से वहीं पर चर्च होता था। अच्छा। उसके बाद में 1995 में वो माइनर बसिलिका का जो पुराना भाग जो अंदर में है, टबरनाकल है, वो भाग बना और उसका उद्घाटन हुआ उसका 1995 में। उसके बाद में 2003 में ये संत पीटर डोनपॉल द्वितीय ने इसको माइनर बसिलिका डिक्लेयर किया। अच्छा। और नहीं, उसमें नहीं, 2003 द्वितीय ने नहीं, अभी माइनर बसिलिका का दर्जा मिला था 2003 में। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद में इधर 2016 में उसका एक्सटेंशन, पुराना गिरजाघर का एक्सटेंशन करके माइनर बसिलिका का उद्घाटन हुआ। अच्छा। 2016 8 दिसंबर। 8 दिसंबर मरियम ईश्वर की माँ का पर्व होता है, ये 1 जनवरी को, और 1 जनवरी माँ मरियम ईश्वर की माँ का जो पर्व है, हाँ? उसके नाम पर माइनर बसिलिका समर्पित है। अच्छा। 8 दिसंबर को तो माँ मरियम निष्कलंक, माँ मरियम का निष्कलंक भागमन का पर्व है। अच्छा, जी जी, हाँ, जी जी, उस दिन नहीं, लेकिन 1 जनवरी माँ मरियम ईश्वर की माँ के नाम पर माइनर बसिलिका समर्पित है। समर्पित है माइनर बसिलिका जो से हुआ है, हाँ, उसे हम लोगों की इधर नॉर्थ ईस्ट भारत में भी कुछ के राज्य की ख्याति बढ़ी है। यस, माइनर बसिलिका हुआ है, एकमात्र बसिलिका हुई है, एकमात्र है, और वो भी संभव हुआ यहाँ हम लोगों के रांची उल्हातु में, जहाँ माँ मरियम का जो ईश्वर की माँ और प्राग का सिंहासन है उसका तीर्थ स्थान है। ओ, ओ, ना, अच्छा, तीर्थ स्थान है। अच्छा, अच्छा, माँ मरियम ईश्वर की माँ और प्राग का सिंहासन, जो माँ मरियम की मूर्ति है और वो ईश्वर की माँ है और प्राग का सिंहासन, अच्छा, उसको डबल टाइटल है, उसकी प्रतिमूर्ति वहाँ पर स्थापित है, और उसकी प्रतिमूर्ति इधर बेल्जियम देश के हाले शहर में प्रतिस्थापित है, ओरिजिनल मूर्ति, और वहीं से उसकी रिप्लिका छोटी मूर्ति यहाँ पर लाई गई यहाँ पर। जिन दिनों आप 93 में तो वहाँ पल्ली पुरोहित, मतलब वहाँ कार्यरत रहे, काम किए, उस समय में तो उल्हातु में हमारे मतलब विश्वासियों की संख्या कितनी थी और आज कितनी है ऐसा? उसमें करीब करीब 5,000 आसपास लोग थे। ओ, ओ, पल्ली में? हाँ, पल्ली में 5,000 लगभग थे, और उसमें बड़ा था,
अभी करीब हम लोग वहाँ 10,000 के लगभग होंगे। ओके ओके, अभी तो हमने फिलहाल और भी लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं उनका हिसाब भी तो अब सब नहीं हुआ है, अभी ऐड हो रहा है। ऐड नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा उन लोग अपना करेंगे तो, लेकिन लोग सब ही चर्च के लिए तो जाते हैं, दर्शन तरफ से जाते हैं, चर्च में तो काफी भीड़ होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद फादर, बहुत बहुत धन्यवाद फादर ये बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसके लिए मैं कई महीने से सोच रहा था कि वहाँ जा कर के, और इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, इसको मैं अच्छा हुआ कि इस वक्त जान गया। और बहुत धन्यवाद फादर, थैंक यू। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें।